प्रिजनर ऑफ दिस जयपुर सीआई के अभिनंदन सांग सबसे पहले हाथ खड़ा करा कि हां सर मैं वो सच बोलूंगा जो जयपुर से इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा और मिशन को अपने कंधों पर आगे लेकर जाऊंगा। यू नो जो भी राव गुप्ता सर ऐसे इंसान के बारे में बात करते वो इंसान आज आपके सामने खड़े हैं, कहते ना देखकर मैं छोटा लगे पर भाग करे झंझोर, कहते ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक ऐसा सच जिस इंसान के साथ बढ़ने आगे बढ़ने के लिए हर एक इंसान बेदार है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन लोग अपने इन टोस पर खड़े होकर इंसान की झलक पा लेंगे ना तो शायद लोग उसे ही सक्सेस कहना शुरू कर देंगे। वी वेलकम बेंगलुरु डिप्लोमेट शिवम पटेला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द वेलकम। जिस तरह से मैंने इंट्रोड्यूस किया और जिस तरह से मेरे बारे में आपने 5 मिनट से रमेश किया सब सुन लिया पहले से, मैं वही इंसान हूं जिसके बारे में आप पहले बात कर रहे थे। मेरा नाम शिवम पटेला है, मैंने अपनी स्कूलिंग एसपेंस से करी है, इसके बाद आई डन माय बीटेक 2014 एंड माय बीटेक 2014 का स्पेशलिटी वाज कंप्यूटर साइंस का। राइट नाउ आई एम टू माय फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए, मेरी उम्र मात्र 23 साल है और मेरे दो गाड़ी का दो फोन की कीमत लगाया तो 23 लाख का है। ये तो छोटा मोटा कर पाया। आज हम आपके पॉइंट पे 2-4 मिनट की डिस्कशन करेंगे। यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन हाथ देखना चाहूंगा, मतलब मुझे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सबके पास नहीं बट फिर भी हाथ देखना चाहूंगा, मतलब कि आपको रेज करना है तो आपके पास एक भी मोबाइल फोन है तो हाथ देखना चाहता हूँ प्रॉपरली खड़ा कर देता हाँ। इनमें से आपके उनमें से हाथ भय रखो एक मिनट में कर दूंगा। कितने पोस्टपेड कनेक्शन ये क्वेश्चन दिया करने कितने मोबाइल फोन वापस आ देना चाहूंगा, इनमें से कितने लोगों के पास में 3G इंटरनेट कनेक्शन है, जिन्होंने हाथ नीचे कर लिए क्या आपका उनके घर 3G इंटरनेट यूज कर रहे हैं? आप लोग जिन्होंने हाथ नीचे कर लिए और जिनके हाथ ऊपर है, जिनके हाथ ऊपर जिनके 3G इंटरनेट कनेक्शन है, आप अपने दोस्त के साथ बैठते हो उसके फोन में 3G चलता है अच्छा लगता है बुरा लगता है, क्या आप ही चाहते हो वो चीज आपके पास हो? आप अगर अपने दोस्तों को बर्थडे पे नॉर्मल 80 टाइप का पेस्ट्री वाली पार्टी देते हो, आपका एक दोस्त मैकडॉनल्ड्स में पिज्जा हट के लिए 5-star में पार्टी दे रहा है, बहुत ज्यादा मन करता है ना कि काश मैं भी ऐसे सेलिब्रेट करूं, यस और नो? ये जो 2-3 बातें मैंने कही ना 3G वाली, तो क्या 200 का महीना खर्चा है पार्टी के, 100 बड़े एक ही बार आता है, साल में कौन सा रेगुलर आता है, उसमें 5-6 हजार कमाने पड़ जाए क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अरे यहाँ के बच्चों ने 2-2 लाख रुपए की 20 साल में बाइक खरीदी है, सोच के देखो 3G इंटरनेट होना इतनी बड़ी बात है, 200 रुपए वाली चीज उन्होंने 2 लाख रुपए की बाइक खरीदी है, यह बहुत गुप्त है। और मैंने अभी आपने चाहे वो 3G इंटरनेट हो चाहे वो सेलिब्रेशन की बात हो, वो सब पैसे आपको घर से लेने हैं। आईफोन कितनों के पास है यहाँ पे? अच्छा चलो कितनों के पास छोड़ो, आईफोन किस किस को मन है लेने का, मतलब जो चाहते हो हमारे पास भी आईफोन, ऐसे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिनको आईफोन पसंद है, मजा आ जाए। आईफोन है सैमसंग गैलेक्सी S6 S7 दो भी चल रहा है, मतलब 50,000 के ऊपर वाले फोन, जिन्होंने भी 15-20 बच्चों ने हाथ खड़े करे, आप सब लोग इनको लेना चाहते हो चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो कुछ भी हो, चाहे वो इंटरनेट और नॉर्मल सेलिब्रेशन खर्ची, ये सारे सारे खर्चा आपके पेरेंट्स नहीं करते आपके लिए, सोचो घर से मांगना भी इतना मुश्किल है, वहां पर भी इतने दिनों तक लाइन लगानी पड़ती है, ये चाहिए बाबा ये चाहिए उन्हें मनाना पड़ता है, उसके बावजूद भी 2 लाख रुपए की बाइक मिलती है, इन्होंने सेकेंड ईयर में 2-2 लाख रुपए की बाइक परचेज करी है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एट द एज ऑफ 20 और 21 एक इंसान जो सिर्फ बीटेक की सेकेंड ईयर में, बीटेक के सेकेंड ईयर में इंसान को होश में ही होता है कि उसने ब्रांच कौन सी ली है, मतलब बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का होगा क्या, इसमें इसकी जॉब में करना क्या होता है, मुझे पढ़ाई में करना क्या होता पड़ेगा, उस एज में अगर एक इंसान 2 लाख रुपए की चीज अपने दम पे खरीद सकता है, सोचो उसने कंपनी को कितना बड़ा टर्नओवर दिया होगा। एट द एज ऑफ 20-21 एक इंसान स्टेज पर खड़े होकर के प्रॉपरली 3 से 5 मिनट बोल पा रहा है 200 लोगों के सामने, 150 लोगों के सामने, क्या उसे डर लगेगा किसी इंटरव्यू में बोलने से पहले? हाँ तो एक इंसान 2 इंसान 5 इंसान जब सामने वाले इंसान बोलते हैं उसे 2 लाख की चीज खरीदी, 1.5 लाख की चीज खरीदी, बहुत सुंदर लगता है अपने ऊपर एक बार झांक ले, ये चीज अगर आपके साथ हो तो कैसा दिन होगा,
अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ का से 4 महीने पहले इसी तरह की लाइफ थी जैसे आज है। कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ 4 महीनों में कि बाइक गाड़ी घर सब कुछ आ गया हूं या पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ गया। आज से अगर आने वाले 4.5 महीनों में आपके पास 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए की आर्मी फाइव हो, सोच के देखना एक बार के लिए रेगुलर इनकम एक वीक की कम से कम 5 से 7 हजार हो, मतलब कि 20 से 25 हजार रुपए एक महीने की इनकम आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, 4 महीनों में कुछ नहीं मिलने वाला। और एक 21.5 से 1.5 लाख की आपके पास बाइक हो, एक बार वो फील याद कर लीजिए कैसा लगेगा। आप अपनी जिंदगी के 4 साल पढ़ाई कर रहे हो, 4 महीने देखे देखो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए जो औरों की जिंदगी में आया, तब पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट में कितनी पावर है। मैं बार बार 1.5 लाख 2 लाख की बाइक के साथ पर इसलिए हूँ, बड़ी बात नहीं कि मैंने आर प्ले किया, मैंने इतनी सी एस की, बड़ी बात है कि मेरे 7 बड़े एसोसिएट्स ने मैं भरोसा करके सब चीजें करी इतनी छोटी एज में। मतलब मैंने भी अपनी पहली बाइक 21 साल में ली थी, इतना अच्छा लगता है कि जितने मैंने उससे की ऑलमोस्ट 1.5 गुना की बाइक मेरी डाउनलाइन में कुछ एसोसिएट चला रहे जिनको सिर्फ 19 साल है, इतने मतलब मैंने भी किया था बाइक की 4.5 महीनों में, अगले 12 महीनों में अमेज, अगले उसके 12 महीनों में सीएस। अरे मजाक नहीं होता, 1 साल में भी कुछ नहीं मिलता, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या डिफरेंस आ जाता है। सोच के देखो ये सारी चीजें पॉसिबल है जो यहाँ पर लोगों ने करी है, सिर्फ और सिर्फ बात है क्या आप उस चीज के लिए दिमाग में भी सोच सकते हो। अगर आप सोच भी सकते हो ये चीजें पॉसिबल है, वो फिर हमारे इस कॉन्फिडेंस उसको पॉसिबल करके दिखाएंगे। मैंने इतने लोगों का एग्जाम्पल लिया, आप सबको लग रहा होगा मेरे सीएस दो दो गाड़ी पढ़ा तो यही है, अरे मेरे जैसे ना इंडिया में 2500 से ज्यादा बच्चे हैं मेरे जैसे, बाइक वाले का सोचो 15000 बच्चे हैं। अगर मुझे किसी इंसान ने बनाया ना मेरे जैसे वो बचे हुए 2999 किसने बनाया, टोटल 10 लाख बच्चे मेरी तरह इस मुकाम पर खड़े कर दिया जाएगा 22-23 फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दो दो कार्स, घर लेने के बारे में सोच सकते हैं, रेगुलर 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की इनकम। अगर इस चीज के लिए किसी का क्रेडिट जाता है ना, प्लीज मेक वे, प्लीज हेल्प मी वेलकम इन द बैच, जिसके बारे में पिछले 1.5 घंटे सुन रहे हो उस इंसान को जिसने मेरे जैसे हजारों लोग क्रिएट करे इस देश में, प्लीज मेक